गुरदासपुर के सरकारी बेअंत इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के फैकल्टी सदस्यों ने उच्च शिक्षा के लिए दी जा रही इंक्रीमेंट बंद किए जाने के विरोध में प्रिंसिपल डॉक्टर राकेश डोगरा के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर दफ्तर के बाहर धरना दिया और प्रिंसिपल पर दोष लगाया कि प्रिंसिपल दोबारा जानबूझकर हमारी इंक्रीमेंट बंद करवाई गई है, जबकि किसी और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के फैकल्टी सदस्यों की इंक्रीमेंट बंद नहीं हुई है। हमारी इंक्रीमेंट इसी महीने से बंद करी गई है, जो कि हम लोगों को पहले मिल रही थी। इन प्रिंसिपल ने, जो कि इन एलिजिबल हैं, उन्होंने उनके फायदे होंगे जिसके कारण उन्होंने हमारी इंक्रीमेंट बंद करी है। ये हमें नहीं पता क्यों करी, जबकि और कॉलेजेस में ये सारी इंक्रीमेंट्स मिल रही हैं, पीएचडी के इंक्रीमेंट्स। जब तक दोबारा हमारी इंक्रीमेंट शुरू नहीं होती तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं जानकारी देते हुए प्रोफेसर डॉक्टर रंजीत सिंह और प्रोफेसर आरती ने बताया कि कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राकेश डोगरा ने कॉलेज के 20 के करीब फैकल्टी सदस्यों की इंक्रीमेंट बंद कर हमारे करियर के साथ खिलवाड़ किया है। अणमिथे समय लई रोष प्रदर्शन काले बिल्ले लगा के शुरू किया और ये रोष प्रदर्शन करने तो पहला असी प्रिंसिपल साहब नू कई बार लिखती रूप दे विच बेनती कीती के ये जो साडे कैरियर दे नाल खिलवाड़ ना किया जाए, क्योंकि होया इस तरह के ऑल इंडिया काउंसल फॉर टैक्निकल एजुकेशन AICT वालों एक पहला नोटिफिकेशन इस तरह की होंदी सी कि जो PhD क्वालिफिकेशन हायर क्वालिफिकेशन दे लई टीचर्स नू एक्स्ट्रा इनक्रीमेंट्स दित्तियां जाणगियां। इस संबंध में प्रिंसिपल डॉक्टर राकेश डोगरा का कहना है कि उन्होंने कोई भी गलत कार्य नहीं किया है, सिर्फ सरकार की ओर से जारी निर्देशों का पालन किया है। प्रोफेसर का इंक्रीमेंट 11 जुलाई 2017 व 28 जुलाई 2017 को पंजाब सरकार की ओर से जारी पत्र के आधार पर बंद किया गया है, जिससे वह खुद भी प्रभावित हुए हैं। उनका भी इंक्रीमेंट बंद हुआ है। उन्होंने बताया कि उनके पास प्रिंसिपल का फिलहाल एडिशनल चार्ज है और अदालत में प्रिंसिपल की पक्की पोस्ट संबंधी उनकी केस चल रही है। 11 जुलाई 2017 को एक गवर्नमेंट तो लेटर आया कि तुहाडा कॉलेज जिहड़ा शक दे दायरे च देखिया जा रहा है, तो तुसीं जिन्हां लोगों ने गलत फायदा लिया है उन्हें सारी डिटेल भेजो सानू। तो अल्टीमेटली 13-14 तरीक के लागे मैंने गवर्नमेंट सारी डिटेल भेजती कि जिन्हें किन्ने पैसे फालतू ले ने। तो आलमोस्ट मेरे ख्याल इन्होंने कोई 1.5 करोड़ रुपया सारे फैकल्टी मैंबर ने एक्स्ट्रा लिया है, उस मैं भी इनकलूड है, मैंने भी थोड़ा फायदा मिल रहा है 6-7 लाख रुपए का। तो फिर उसके बाद 28 जुलाई में फिर लैटर आया कि तुम जी कार्रवाई की कीती अज तक और जी इंक्रीमेंट है ना हूं तो इंक्रीमेंट का फायदा नहीं देना है, जिसका फैसला 13 अक्टूबर को आने वाला है। फिलहाल बेअंत इंजीनियरिंग कॉलेज के फैकल्टी सदस्य परेशान हैं और जल्द ही बड़े कदम उठाने की सोच रहे हैं। गुरदासपुर से राजेंद्र कुमार की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए।